हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक झा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस लाइव स्पेशल क्लास के अंदर। और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने आज अभी टॉपिक देख ही लिया होगा कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, Al है, एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस Fe। इसके अलावा आपको, आप यदि चाहते हो कि NCERT को सॉल्व करवा के मैं दिखाऊं आपको, NCERT के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसको आप लोग देख सकते हो। इसका ना वीडियो जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा YouTube के ऊपर। हाँ, आप लोग उसको सर्च भी करोगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग बाय डायनोसाइंस या फिर बाय दीपक झा, है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब मैं आयरन की बात करता हूँ। आयरन कितना, आयरन यहाँ पे इस साइड में दो है ना, और इधर कितना है, एक ही है, तो पहले तो दो लगा दो सर, क्या दिक्कत है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तीन है, बैलेंस है अभी तो। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम एक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम दो है, तो यहाँ पे दो कर दो, बैलेंस है, मैच कर लो। आयरन दो, आयरन दो, ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन, एल्यूमिनियम दो, एल्यूमिनियम दो, इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस हो चुका है। इतना ईजी है। सो हिट एंड ट्रायल मेथड इज द बेस्ट मेथड और सबसे ईजी मेथड होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा मैं कोई एक हार्ड क्वेश्चन ले लूँ, जो मतलब आप लोग कह रहे हो कि सर ये हार्ड क्वेश्चन, ये बता दो। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का है कुछ, तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप थोड़े से अलग लेवल के, जिसमें बच्चे घबराते हैं। Al2 SO4 का होल थ्री, ठीक है, ये जब किसके साथ, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनाता है सर, ये बनाता है AlOH का होल थ्री प्लस Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 बनाता है, क्लियर। अब देखो एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ पे एल्यूमिनियम दो है, इधर राइट हैंड साइड में देखो एल्यूमिनियम एक है, तो यहाँ पे पहले दो कर लो, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया बैलेंस जो करूँगा उसको मैं कलर चेंज करके करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा, अरे यार, ठीक है, ये लो। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ। अब देखो एल्यूमिनियम क्या यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दो है, इधर एल्यूमिनियम कितना है, एक था, तो आप यहाँ पे दो कर लो, एल्यूमिनियम दो हो गया। चलो सल्फर देखो कितना है, एस कितना है, एस तीन है ना, सल्फर तीन है, यहाँ पे वन है, S1 3 3 है ना, S3 है, यहाँ पे S देखो कितना है, S कितना है, यहाँ पे एक है, इधर देखो S एक है ना, यहाँ पे थ्री कर दो, 3S हो गया। चलो ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, ऑक्सीजन कितना है, 12 है और एक यहाँ पे 13 है, याद करो 12 और एक 13, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 है ना, 6 ऑक्सीजन है, और ये कितना है देखो, 4 3 12, मतलब 6 इधर और 12 इधर, तो 12 6 18 होना चाहिए टोटल, है ना। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, 12 हो गए। यदि मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ तो 6 ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा, 12 इधर और 6 इधर, 18 हो जाएंगे इधर भी, ये भी बैलेंस हो जाएगा, क्लियर है। सोडियम देखो कितना है, सोडियम कितना है, 6 है, यहाँ पे सोडियम देखो 3 2 6 बैलेंस है ना। अब देखो मैं बैलेंस करो, एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम देखो जी 2 है, चेक कर रहे हैं बस। सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो सल्फर कितना है, सल्फर भी 3 है, ये देखो, है ना। इसके अलावा देखो ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, ऑक्सीजन कितना 4 3 12 और 6 12 6 18 है, यहाँ पे देखो 3 2 6 हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे देखो 4 3 12, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन भी हो गया। सोडियम देखो 6 है, इधर भी सोडियम 6 है, दैट्स वाई ये क्या है, ये क्वेश्चन बैलेंस है। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं थैंक यू के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट, NaOH प्लस H2SO4 ये देता है सर Na2SO4 प्लस H2O, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, मन की आंखों से देख लो H2O, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा इक्वेशन। आप तो मिलते हैं हमने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।